मिशन 2024 के लिए क्रांति के शहर से भाजपा वेस्ट यूपी में विपक्ष पर चुनावी प्रहार करने की तैयारी में है। 25 जून को भाजपा ने मेरठ में संपर्क रैली का आयोजन किया। ये वो दिन है जब देश भर में कांग्रेस शासन काल में इमरजेंसी लागू की गई। भाजपा इसी दिन का इस्तेमाल करते हुए जनता को इमरजेंसी के दौरान जुल्मों की कहानी बयां करेगी। देखिए 25 जून को हम लोग मेरठ में रैली कर रहे हैं। ये पार्टी ने योजना बनाई है कि प्रत्येक संसदीय क्षेत्र के अंदर एक रैली हो। हमारा जो महासंपर्क अभियान है जो 1 जून से 30 जून तक चल रहा है, उसके अंदर अब जो उसका उत्तरार्ध महीने का, उसमें विभिन्न स्थानों पर रैलियां हो रही हैं। मेरठ की रैली संयोगवश 25 जून को है, जो इमरजेंसी का दिन भी है। तो उस दिन हम 10,000 संख्या से बड़ी संख्या की रैली हम करेंगे। 200 बसें हमने की हैं। यहाँ जो स्थानीय भामाशाह पार्क है उसमें इस रैली का आयोजन होगा, जिसको विक्टोरिया पार्क इसका पुराना नाम है। और माननीय केशव मौर्य जी, जो हमारे उप मुख्यमंत्री जी हैं, और माननीय स्मृति ईरानी जी, जो हमारी महिला और बाल कल्याण मंत्री हैं, वो उसके अंदर आएंगी और हम जनता को संबोधित करेंगे। जनता मतलब हमारे नेता जनता को संबोधित करेंगे, और जनता के बीच में हमारी सरकार के जो 9 साल है, माननीय मोदी जी के यशस्वी कार्यकाल के 9 साल है, उसके संबंध में जनता को बताएंगे।